बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आज से शुरू हुए वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करा चुके लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कतार में युवक युवतियां भी लगे हुए थे, जिनका पंजीकरण नंबर जांचने के बाद वैक्सीनेशन कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं पूरे केंद्र को फूल मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया। बता दें, बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया। सांसद डॉक्टर सत्यपाल तथा डीएम राजकमल यादव ने वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान युवा वर्ग वैक्सीन लगवाने के बाद बेहद खुश नजर आया। मेरा नाम प्रार्थना डिंगरा है, मैं बड़ौद शहर की रहने वाली हूँ। आज बागपत जनपद में टीकाकरण शुरू हुआ है योगी सरकार की तरफ से। आज मैंने अपना पहला कोविड वैक्सीनेशन का डोज लिया है। जैसे मैंने लिया है, मैं आप सब से विनती करती हूँ कि आप सब भी लें और कोविड की ये चेन को तोड़ें। मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ, मैं 2 दिन के लिए रेस्ट लूँगी ताकि मेरा बॉडी हील हो पाए वैक्सीनेशन से। डॉली सिंह, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं और लगाकर ऐसा लग रहा है कि बस अब हम सुरक्षित हैं। ऐसा तो एक नॉर्मल इंजेक्शन लगवाने से भी बुखार आता है, तो ये तो वैक्सीन है। थोड़ी अकड़ाहट होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, हम सुरक्षित तो हो गए। जीवन जरूरी है ना, तो जीवन के लिए भाई है, वैक्सीन जरूर लगवाइए, सभी लगवाइए मैं तो कहूँगी। और जब हम सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, देश सुरक्षित, तो देश के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। डॉक्टर विजय कुमार, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौत। आज हमारे बड़ौत में जैन डिग्री कॉलेज में 18 प्लस के ऊपर जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उनका बनाया गया हुआ। यहाँ पर हमने 2 स्पेशल बूथ बनाए हुए हैं, एक अभिभावक स्पेशल जिसमें 12 साल से छोटे बच्चे जिनके हैं उनको ये सुविधा अलग से दी गई है और वो रजिस्टर कराकर ही अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अगर कोई उसमें अभिभावक स्पेशल में रजिस्टर करा लेता है, अगर उनका आईडी या बच्चा नहीं है तो उनको नहीं लग पाएगी, उनको हमें वापस भेजना पड़ेगा। प्लस हमने 18 प्लस में एक अलग से जो कॉमन पब्लिक है हमारी, उनके लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही अलग से बूथ बनाया हुआ है, वहाँ पर उन सभी को लाभ दिया जा रहा है। आज का हमारा दोनों ही बूथों पर अलग 100-100 लोगों का बूथ का वो है लक्ष्य, जिन पे 100-100 लोगों के लिए साइट खोली गई है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बागपत की जनता के लिए हम लोगों को ये वैक्सीन मुहैया कराई। और जनपद में हम लोगों ने इस प्रकार से प्लान किया कि सभी ब्लॉकों में एक एक सेंटर हो, जिसके तहत हमारे सभी जितने भी 6 ब्लॉक हैं सभी जगह 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए एक एक कैंप लगाया जा रहा है। साथ ही हमारे जनपद के ऐसे जितने भी अभिभावक हैं जिनके 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने 2 स्पेशल कैंप लगाए हैं, एक बड़ौत में आपके इस जैन डिग्री कॉलेज में लगा हुआ और एक हमारा जनपद बागपत में, बागपत शहर के अंदर सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज में लगा हुआ। इसके अतिरिक्त जो हमारे 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए हमारे 70 कैंप इस समय जनपद बागपत में चल रहे हैं। और इस कैंप में जैसा आदरणीय सांसद जी ने बताया और जैसा माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और जो निर्देश हैं कि इसको हम लोग गांव-गांव तक ले जाएंगे और आने वाले सप्ताह में हम लोग प्रयास करेंगे कि हर गांव में एक कैंप लगे। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जनता के बीच में और जो हमारे जनपदवासी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। और इस बात का पता इसी से लग सकता है कि जैसे ही हम लोगों ने स्लॉट्स ओपन किए पोर्टल पर, विद इन एन आवर सभी स्लॉट्स बुक हो गए, तो लोग काफ़ी उत्सुक हैं इसके लिए। और हम लोग ये जिला बागपत प्रशासन की तरफ से ये आप लोग सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया जनपद बागपत में 600 केस कम होने के कारण हो चुकी है, मैं अपने सभी जनपदवासियों से, सभी अपने भाइयों से, बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यद्यपि अनलॉक हो गया है लेकिन मास्क को अपने चेहरे पर अवश्य लॉक कर लें और तभी हम लोग आने वाले समय में कोरोना को मात दे पाएंगे। जिस प्रकार से आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस बार विजय प्राप्त की है, मुझे पूरी आशा है कि वैक्सीन और कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए हम लोग भविष्य में भी इस त्रासदी पर बहुत अच्छे से विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि लोगों ने इतनी उत्सुकता इसके अंदर दिखाई है। सुबह से ही लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों का यही प्रयास है कि यहाँ पर जो प्रबंध उनके आने के उपरांत हैं उनको हम लोग चाक चौबंद रख सकें, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कोई वेट ना करना पड़े, इसीलिए स्लॉट बुकिंग के आधार पर किया गया है। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत जागरूक हैं और ये एक अच्छा संकेत है समाज के लिए। जी हाँ, मीडिया कर्मियों के लिए जो हमारे मीडिया साथी हैं उनके लिए हम लोगों ने आज, कल और परसों जनपद बागपत में लोकमंच पर एक कैंप लगाया है और 4 तारीख से इसी कॉलेज प्रांगण में जो बड़ौत में जो हमारे स्थापित मीडिया सेंटर्स हैं, जो मीडिया कर्मी हैं
उन सभी के लिए यहाँ पे लगाए जाएंगे। और जब तक हमारे सभी जनपद के सभी जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन नहीं हो जाता, तब तक हम ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और आदरणीय सांसद जी के प्रेरणा से हम लोग जनपद में अनवरत चालू रखेंगे। देखिए, ये पूरे बागपत जिले के लिए आज बहुत बड़ा ये शुभ समाचार है कि आज से 18 से साल के उम्र के जो बड़े लोग हैं उनके लिए आज वैक्सीनेशन की टीकाकरण की शुरुआत बागपत जिले में हुई है। आज 6 केंद्र 18 से वाले के ऊपर के जो 6 कैंप हैं और 2 जो हैं स्पेशल, जिसको अभिभावक स्पेशल बोला गया, उसके कैंप शुरू हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1 घंटे के अंदर 5 दिन के अंदर जितनी वैक्सीनेशन लगेगी, जितनी वैक्सीन लगेगी, वो 1 घंटे के अंदर इस बात की पूरी पूर्ति हो गई। इसका मतलब लोगों में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है। उनको लगता है कि अगर हमको कोरोना से बचना है तो जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण होना चाहिए, अपना वैक्सीनेशन होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीकाकरण को लगवाएंगे। और मेरा ये जरूर निवेदन है लोगों से कि जिन लोगों को दूसरी कोई समस्या है, दूसरी कोई बीमारी है, पहले ऐसे लोगों को मौका दिया जाए। जो लोग स्वस्थ हैं वो 2-4 दिन जो है, हफ्ता दो दिन दो हफ्ता जो है बाँट देख सकते हैं। मैं इस काम के लिए अपने जिलाधिकारी श्री राजकमल यादव जी, उनकी पूरी टीम का, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छा काम उन्होंने आज शुरुआत की है। और अगले हफ्ते मेरा विश्वास है कि लगभग 200 कैंप जो है रोज़ाना जो है हमारे ज़िले में लगेंगे और उसके बाद इसको गांव-गांव लेकर के जाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी जो है पूरे बागपत जिले का वैक्सीनेशन हो जाएगा।